नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। ईंधन खत्म होने की वजह से हुआ था कोलंबिया विमान हादसा, पायलट और यातायात नियंत्रकों के बीच हुई अंतिम बातचीत की रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा, हादसे में 75 लोगों की हुई थी मौत। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में फिर लगाई गुहार, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक हैं तैनात, भारत पर कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। पीओके से आए शरणार्थियों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम, शरणार्थियों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट ने दी मंजूरी, विदेशी नागरिकों के वीजा नियमों को बनाया उदार। भारत का अमेरिका से होविट्जर तोपों की बड़ी डील, 145 तोपों की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपए के सौदे पर किए हस्ताक्षर, चीन से सटी सीमा पर किए जाएंगे तैनात। नेपाल में बनेगा मधेसी राज्य, संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश, मधेसियों के विरोध प्रदर्शन में 50 लोगों की गई थी जान। अमेरिका की फॉर्च्यून पत्रिका की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर सूची में भारतीय मूल के 4 सीईओ को मिली जगह, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला को 5वां और वाटर हीटर कंपनी एओ स्मिथ के ए राजेंद्र को 34वां स्थान मिला। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग सूची में शीर्ष पर बरकरार। अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में भीड़ पर हमला करने वाला छात्र आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से था प्रेरित, सोमालिया का रहने वाला था अब्दुल रजाक अली, अली ने छात्रों पर चाकू से किया था वार। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।